अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और कैरियर से होंगे। तो आज आपका भाई आप लोग के लिए एक और नई और अच्छा वीडियो लेके आ चुका है। तो आज मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 100 डेज इन मशरूम ओनली वर्ल्ड। ये एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ आपको ना कोई हॉस्टाइल मॉब देखने को मिलता है और ना कोई आपको कैसे भी मॉब देखने को मिलता है। सिर्फ यहाँ पर आपको देखने को मिलती है मशरूम काओ, जिससे आप मशरूम स्टू ले सकते हैं और रॉ बीफ ले सकते हैं। और हाँ, इसमें मेरे कुछ चैलेंजेस भी होने वाले हैं। तो पहला चैलेंज होने वाला है कि मुझे कंप्लीट सेट डायमंड आर्मर बनाना है। दूसरा चैलेंज ये है कि मुझे अपने लिए एक अच्छा सा हाउस बनाना है। और तीसरा चैलेंज, सबसे हार्ड चैलेंज, कि मुझे अपने आर्मर को बिना एन्चांट करे एंडर ड्रैगन को बीट करना है। क्या मैं एंडर ड्रैगन को बीट कर पाऊंगा, ये तो आपको पूरी वीडियो में देख। ना कोई आपको इसमें ट्री देखने को मिलता है और ना कोई आपको इसमें विलेज देखने को मिलता है। मतलब कि आपको अपने प्रोग्रेस करने के लिए एक माइनशाफ्ट ढूंढना पड़ेगी। तो जी हाँ, क्या हम ऐसे वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाएंगे 100 डेज, तो आपको यानी पूरी वीडियो देखनी है। और आप सही जगह पर हैं, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डे वन को मैं अपने स्पॉन होते के साथ ही मैं दूर दूर तक नज़र घुमाता हूँ कि मुझे एक ट्री नज़र आ जाए। लेकिन यहाँ पे कोई ट्री नहीं होता, ऐसे वो सिर्फ मशरूम के ट्री होते हैं। पास में एक लावा पूल था, लेकिन लावा पूल का कोई काम नहीं था। तो मैं अपने पास ट्री नहीं है, तो हम अपने पास खाना तो ले सकते हैं ताकि अपनी भूख मिटा पाएँ। तो मैं बहुत सारा खाना जमा करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो इतना सारा खाना जमा करा है। आ जाए यहाँ पर 2 घंटा तो लगेगी होगा, बहुत ज़्यादा देर लगी। अब मैं चलता हूँ अपनी माइंड शेफ की तलाश में ताकि मैं अपने लिए बना सकूँ स्टार्टर टूल्स। ये क्या गुड़ गया, पूरी पूरी हेल्थ चली गई मेरी। एक तो वैसे ही खाना नहीं है, सही का खाना नहीं है। ये खाना अभी खाएंगे ना 10-12 खाना पड़ जाएंगे, लेकिन इसका रीजनरेशन अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं माइंड शेफ में आ चुका हूँ। इतनी मुश्किलों से मैं केव ढूंढी है, आप लोग सोच नहीं सकते। यहाँ पे यार माइंड शेफ मिल गया कोई, यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही है यार। सच्ची में ट्री नज़र आ गया, माइनशॉप मिल गई। ओए ओए, माइनशॉप मिल गई, माइनशॉप मिल गई। इतनी खुशी मुझे आज अपने लिए तोड़ता हूँ वुड और बनाता हूँ बहुत सारे स्टार्टर टूल्स, जिसकी वजह से अब मैं बन सकूँ यहाँ का गॉड और एंडर ड्रैगन को हरा सकूँ। छे वुड तोड़ ली, इतनी मेहनत कर ली यार, बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली। चलो अब और मेहनत नहीं करनी, अपने लिए टूल्स बना लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पे स्टोन कहाँ मिलेगा, स्टोन तो होता ही नहीं यार अंडरग्राउंड। यार ये तो गलत है, माइनक्राफ्ट वालों कुछ तो मदद करो। चलो अपने लिए मैंने स्टार्टर टूल्स बना लिया। अब मैं यहाँ पे जितनी भी माइनक्राफ्ट की वुड है ना, सारी वुड को मैं खाली ना कर दूँ ना जब तक मैं जाऊँगा नहीं। यहाँ पे माइनक्राफ्ट ऑन नहीं है, ख़त्म हो गई। यहाँ पर थोड़ा बहुत तोड़ के चेक करता हूँ। ये मज़ाक नहीं करना, मज़ाक ये बिल्कुल भी नहीं करना है, मुझे पसंद नहीं है मज़ाक पसंद नहीं है। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, इतना अंधेरा है, कोली मिल जाए कहाँ है। आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो आपको नज़र आ रहा होगा। ओ मिल गई। यस, चलो यहाँ से मैं अपने लिए स्ट्रिंग भी तोड़ लेता हूँ ताकि अपने लिए मैं क्या बना सकूँ, बेड, जिससे मैं अपने लिए बहुत सारी रातें गुजारूँ। और इतने दिनों, 2 दिन से जो मैं सोया हूँ ना, वो मैं अपने लिए नींद पूरी कर लूँ। अब मैं यहाँ पर जितनी भी आपको वुड नज़र आ रही है सारी वुड को तोड़ूँगा। चलो पहली चेस्ट नज़र आई है, तो यहाँ पर जादू पढ़ लेता हूँ। आयरन पिकैक्स और सामने डायमंड था, क्या जादू था यार, ये तो जादू है। सामने ही डायमंड था, मुझे लग रहा है मैंने ऑप्टिफाइन ना नहीं कर लगाया हुआ। अभी मैं ऑप्टिफाइन लगा कर आता हूँ। चलो मैंने ऑप्टिफाइन लगा लिया है। अब जितनी भी वोट है सारी वोट तोड़ूंगा, इतनी वोट तोड़ूंगा कि सारी मानसिक खाली हो गई। चलो यहाँ पे थोड़ी सी और डायमंड मिले, यहाँ 1 डायमंड, 2 डायमंड, 3 डायमंड, 4 डायमंड, 5 डायमंड, 6 डायमंड, 60 डायमंड, ओए माय गॉड, तो सारे डायमंड। चलो दोबारा से अपनी मेहनत पे लग जाते हैं। चलो माइन तो मैंने कितनी सारी माइनिंग कर लिया, माइनिंग कर करके थक सकता हूँ। यहाँ पे डायमंड दोबारा, वो क्या किस्मत चल गई, 8 डायमंड दोबारा। ये यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डायमंड, कितनी लकी माइनशाफ्ट थी, इतनी लकी माइनशाफ्ट। ओए ओए, इतनी खुशी यार आज तक कभी नहीं हुई। यहाँ पे अब दोबारा अपने नए काम पे लगते हैं। यहाँ पे देखता हूँ और डायमंड तो नहीं है, और डायमंड मिल जाए यार,
लालच बुरी बला है यार। पहले वैसे बताऊँ यहाँ पे और डायमंड तो है नहीं, अब मुझे आयरन भी माइनिंग करनी है और बहुत सारी माइनिंग करनी है, तो अब मैं माइनिंग करके अब आपको सरफेस पे मिलता हूँ। तो मैंने बहुत लंबी माइनिंग सेशन के बाद अब मैं आ चुका हूँ दोबारा सरफेस पे। यहाँ पर अपने थोड़े से कॉबलस्टोन तोड़ लेता हूँ ताकि मैं अपने लिए बना सकूँ अपने लिए थोड़े बहुत कॉबलस्टोन के टूल्स और एक फर्नेस बना के अब अपने लिए खाना स्मेल्ट कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने मेरे पास 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तो हो ही नहीं, हाँ वो अब हो गए 20, 21, 22। चलो 22 कॉपर स्टोन बहुत है, अब इसको मैं ढक देता हूँ इसके डीप स्लेट से। चलो मैंने इसको ढक दिया है, अब चलो अब मैं यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल लगाता हूँ और अपने लिए बनाता हूँ थोड़ी सी स्टिक बना लेता हूँ। पूरी पूरी माइनशाफ्ट खाली कर कर आया हूँ, आप लोग देख रहे हो सारी पूरी पूरी खाली हुई है। और मैं अपने लिए थोड़ी बहुत वुड भी लाया हूँ, लेकिन वो वुड पता नहीं मैंने कहीं अभी नीचे आया, जब ज़रूरत पड़ेगी बहुत अभी भी बची हुई है दोबारा जाके ले आऊँगा अपने लिए। और वुड सारे कोबलस्टोन के तो टूल्स बना लिए, चलो अपने एग्स भी बना लेता हूँ। और फिशिंग हुक का क्या काम होगा यार, मुझे समझा ग्रैपलिंग हुक है अपने इसका। अबे ये क्या स्टोन का वर्क करते थे यार डीप स्लेट, ये गलत है, ये चीटिंग है, ये चीटिंग है, चीटिंग करते हैं लोग, चीटिंग करते हैं, कितनी चीटिंग करते हैं। चलो अपने यहाँ पे मैं अपनी वुडन पे टूल्स डाल देता हूँ ताकि मेरे आयरन स्मेल्ट हो जाए। सही, अब मैं यहाँ पे दोबारा से एक काव को मार देता हूँ, दूसरी काव को भी मारता हूँ। चलो यार मर मर, क्या मार रहे, मर नहीं, अब तो मैं इनको 3 हिट में मार दूंगा आराम से। अभी मैं एक्स निकाली ना, ए 1 हिट है लोग, 1 हिट जानते नहीं है मेरी पीवीपी इतनी इतनी बेकार पीवीपी है कि मुझे कोई कह नहीं सकता कि मैंने क्या सच कह दिया मेरी बेकार पीवीपी है। अच्छा मैंने सच कह दिया, नहीं यार मेरी बेकार पीवीपी है। चलो अपने लिए पानी लेकर आता हूँ अपने लिए ताकि मैं अपने लिए इतनी फसल उगा लूँ कि किसी ने, चलो अपने दूध दूध देती है लोग, चलो दूध पी लेते हैं, ताकत आती है दूध पिया करो आप लोग, ताकत आती है बहुत ज़्यादा दूध। मैं माइनक्राफ्ट में दूध पीता हूँ, मैं माइनक्राफ्ट में हूँ तो माइनक्राफ्ट में दूध नहीं पी सकते। और मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है, मैंने अपना खाना लगाया था स्मेल होने का, चलो खाना खा लेते हैं। ये पेट भर गया, पेट भर गया पूरा, है मज़ा आ गया। चलो अपने लिए अब मैं दोबारा तो थोड़ी सी कोल माइनिंग कर लेता हूँ क्योंकि मुझे कोल की ज़रूरत है। और मैं दोबारा माइनिंग सेक्शन पर आ चुका हूँ, तो क्या इसमें माइनिंग के अलावा कुछ है ही नहीं, जब तक आपको ऑक्सीजन और डायमंड ना मिल जाए। तो मैं अपने लिए यहाँ पे जल्दी से थोड़ी बहुत कोल माइनिंग करता हूँ, बहुत ज़्यादा कोल माइनिंग करना पड़ेगी और फिर आपको मिलता हूँ दोबारा सरफेस पे। तो चलो यार मैं अपनी माइन से बाहर आ चुका हूँ, बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग कर ली है और बहुत ज़्यादा दिन मुझे अपने माइनिंग सेशन को करने में चलेगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत कोल माइनिंग करना खो जाता दोबारा डेड ला रहा हूँ क्योंकि मुझे अपना बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग करनी है और अपने लिए मुझे जाना है अपने नेदर में ताकि मैं नेदर से जा सकूँ अपने लिए थोड़ा बहुत जो एंडर ड्रैगन को मारना है उसकी चटनी बनानी है। इतनी चटनी बनाऊँगा, इतना पीसूँगा उसको चटनी बना के, उसके एग को ला के बताऊँ मैं कहाँ लगाऊँगा अपने सर के ऊपर, जब मैं कैसे लगूँगा बताना, कमेंट में बताना। सही है, तो अपने लिए मैं यहाँ पे बहुत सारा खाना स्मेल कर लेता हूँ, यहाँ पे अपने लिए आयरन डाल लेता हूँ ताकि जो मेरा आयरन का आयरन वाला है वो तो बना लूँ। चलो यहाँ पे पहले अपने लिए एक चेस्ट बना लेता हूँ ताकि अपनी चेस्ट में जो जितना भी सामान है ना रख दूँ। कितना सारा कचरा है, ये कचरा नहीं है भाई, डायमंड और लैपिस कचरा नहीं है, मैं कचरा कचरा बोल रहा हूँ उसको, सही है कचरा नहीं है। चलो यार अपनी इन्वेंट्री मैंने खाली कर ली और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने लिए यहाँ पर ना वो बनाऊँ, एक फार्म बनाऊँ शुगर केन का। तो चलो सोचते हैं यार बनाओ यहाँ पे, ये वाली जगह बेस्ट है या फिर नहीं। चलो यार क्या, चलो आगे शुगर केन है, चलो मैं शुगर केन ले लेता हूँ क्योंकि मुझे शुगर केन का एक फार्म बनाना है। अब यहाँ पे और कोई फार्म तो होगा नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी क्योंकि यहाँ पे ना कोई वुड है और सबसे ज़्यादा फार्म को बनाने के लिए वुड लगती है और यहाँ पे माइनशाफ्ट भी ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और सिर्फ वाले जो मैंने जो थोड़ी सी माइनशाफ्ट में वुड छोड़ी है ना वो मेरे घर के लिए वुड है, तो मैं उसको वुड की तरह इस्तेमाल करूँगा अपने घर में। तो चलो अब शुगर केन फार्म बनाना स्टार्ट करते हैं। Floating through the air.
pain I felt is paid for. All is said and done. Oh, I am restricted. काम हो चुका है कंप्लीट। अब मैं अब अपने लिए डट लगा देता हूँ ताकि मेरा आए मेरा ये जो इफ शुगर फार्म है थोड़ी बहुत लुक आ जाए। मेरे पास अभी तक एक ही आयरन पिकैक्स चल रही है। अब कोई कहेगा यार ये पहली आयरन पिकैक्स है। अब बताओ मैं इतनी कंजूसी कर रहा हूँ कि मेरे पास इतना आयरन है कि किसी ने सोची ना होगी इतना आयरन है मेरे पास। तो मैं इसको कर देता हूँ हो कर देता हूँ नहीं हो नहीं मैं इसको शवल से पता नहीं क्या करूँ इसको शवल से चलो ये कर देता हूँ। ये डिज़ाइन अच्छा लगता है वैसे मुझे ना कि ऐसा लगा हुआ कोई जा रहा हो। ये एक ना पाथवे होता है जिससे ये एक काम करता है पाथवे का सही है। तो यहाँ से अपने लिए मैं ले लेता हूँ दो वर्ड जिसमें मैं अपने लिए बनाऊंगा स्टेक और अपने लिए बना लेता हूँ डायमंड की पिकैक्स। तो अब मैं चलता हूँ अपने माइन में जहाँ से मैं अपने लिए कोबलस्टोन माइन नहीं करूँगा अपने लिए माइन करूँगा ऑब्सीडियन जिससे मैं अपने लिए क्या बनाऊँगा नेदर पोर्टल। फिर मैं जाऊँगा ब्लेज की चटनी बनाने। हो मुझे देख के जा रही थी जासूस हैं जासूसी करती है ऐसे मारता हूँ मैं अपने लिए यहाँ से आयरन ले लेता हूँ ताकि मैं आयरन की एक शील्ड बना लूँ। शील्ड चलो मैंने शील्ड तो बनाई हुई है जो मैं बाद में शील्ड ले लूँगा। तो अब मैं चलता हूँ दोबारा माइन में। तो मैं यहाँ पर आए थे अपनी माइन शॉप पर आए थे जहाँ से मुझसे एक चेस्ट छूट गई थी। मैंने उस चेस्ट को ढूंढ लिया लेकिन यहाँ पर कोई अच्छी खासी लूट नहीं थी सारी बेकार लूटती थी। सिर्फ एक नेम टैग था और मैं इसमें नेम टैग करूँ तो करूँ क्या इसमें ना कोई हॉस्टल मॉब होता है ना कोई कैड होती है जिससे। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे ऑब्सीडियन माइन में। अब मैं यहाँ से ढेर सारी ऑब्सीडियन माइनिंग करता हूँ और आपको मिलता हूँ ऊपर अपनी सरफेस पे। तो मैं अभी आ चुका हूँ मेरे पास कोई बेस नहीं था तो मुझे अपनी एक बेस भी बनाना था। उससे पहले मैंने सोचा कि मैं एंडर ड्रैगन को बीट कर दूँ ताकि मैं अपना उसका एग ना लगा सकूँ एक साथ ही। तो मैं अपने लिए पूरा एक डायमंड आर्मर बना लेता हूँ जिससे अब मैं अपने लिए रेडी हूँ जाने के लिए एंडर ड्रैगन को मारने। उससे पहले जो एंडर ड्रैगन का पोर्टल एक्टिवेट करने के लिए सामान चाहिए तो यहाँ पर मैं वो भी बना लेता हूँ। शॉर्ट चाहिए एक एक्स चाहिए अपने लिए और बस एक पिकैक्स बस। अब एंडर ड्रैगन आ जा फूड भी है पानी भी है बस अब हम रेडी हैं एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। अपने यहाँ पे अपने लिए बनाते हैं नेदर पोर्टल और नेदर पोर्टल से चलते हैं अपने हब में। ओ मैं हब अब यहाँ मैं रेडर्स का खेल के मैं हब बोले जाता हूँ बार बार अपने नेदर में। तो मैं यहाँ पे अपने लिए लाया था अपनी फ्रेंड लेने आया था लेकिन यहाँ पे मुझे मिल चुकी है एक नेदर पोर्टल मतलब कि इसका नाम मैं भूल जाऊँगा लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी खासी लूट मिल चुकी थी। तो मैं दोबारा चलता हूँ वहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ चलते हैं अपने नेदर में। तो आपका भाई आपका नेदर में आ चुका है और हीरो ब्राइनिंग समझ लो मुझे इस नेदर को मैं तबाह और बर्बाद कर दूंगा। तो यहाँ पे अपने क्वार्ट्स माइनिंग कर लेता हूँ बहुत ज़्यादा इंडोर दे दिया सही है। मैं यहाँ पे अपने लिए क्वार्ट्स ब्लॉक बना लेता हूँ थोड़े बहुत अपने लिए। मैं यहाँ पे बहुत सारा सामान ले आया था लेकिन हुआ क्या मेरी जो रिकॉर्डिंग थी वो हो गई करप्ट और अब मैं क्या कर सकता था पूरी पूरी स्टोरेज फुल हो चुकी थी और मैं भी बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ गया था सही है। अब मैं यहाँ पे जहाँ पर अंडर ड्रैगन को बीट करना है और मैंने अपने लिए सारी चीज़ें बना ली। तो अब मैं यहाँ पे एक और क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ चलो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ आई ऑफ एंडा तो आठ के बना लेता हूँ आठ की नहीं बनाता चलो बारह के बना लेता हूँ चार छोड़ देता हूँ और बाकी सबको अपनी जेब में लेके चल लेता हूँ सही है। तो अब चलते हैं अपने सफ़र पे पहली फेंकते हैं पहली कहाँ जा रही है उधर जा रही है तो उस तरफ को चलते हैं। अब चलो देखते हैं अब कहाँ मिलता है एंड पे। तो हम एंड में आ चुके हैं समझ लो 2,000 से 3,000 ब्लॉक ट्रैवल कर चुका हूँ मैं अभी तक और एंड बोतल अभी तक नहीं मिला तो मैं नीचे आ रहा हूँ डिग डाउन। चलो यार एंड मिल गया शुक्र एंड मिल चुका है शुक्र यार कितनी शुक्र करूँ इतनी खुशी हो रही है। यहाँ पे स्पॉन आ रही है इतना डर लग रहा है बाबू यार बाबू कोई मॉब ना आगे मार दे मुझे तो पीवी भी नहीं आती। यहाँ पे मुझे मिल चुका है अपना हब नहीं अपना एंड पोर्टल। तो यहाँ पे मैं अपना स्पॉन पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मैं अभी हार्डकोर में नहीं हूँ हार्डकोर का मैं पहली बार था मैंने हार्डकोर नहीं खेला कि हार्डकोर खेलता तो मैं मर सकता था। मैं यहाँ पे अपना स्पॉन पॉइंट सेट कर लेता हूँ सही ना स्पॉन पॉइंट सेट करने के बाद तो अब मैं चलता हूँ अपने हब नेदर में एंड में। तो एक दो मुझे लग रहा है कम पड़ेगी ये तो नहीं होना था। चलो मैं यहाँ पे चार है ना चार की और क्राफ्ट कर लेता हूँ चला चार है चलो चार से और क्राफ्ट कर लेता हूँ ये बन गई चार बना ली जी मुझे लग रहा है बीबी यार ये तो पाँच है नहीं 5,000 ब्लॉक दोबारा जाना पड़ेगा। मैं दोबारा आता हूँ अपनी एक आई ऑफ एंडर लेकर।
तो आज कोई गई बंडल ले गया रोना रे आदमी को आई क्यों करवा दी। चलो दोबारा जाता हूँ। चलो यार आज समझ लो 2 घंटे से लग चुके हैं, अपने लिए शील्ड भी ला चुका था। यहाँ पे 2 से 2.5 घंटे लगे मुझे यहाँ पर आने में, 2 से 2.5 घंटे लगे थे वहाँ पर आ रहा था, और तो फिर दोबारा जाने में भी दोबारा 2 से 2.5 घंटे लगे, फिर आने में भी 2 से 2.5 घंटे लग गए। तो अब यहाँ से मैं तोड़ता हूँ कि एंडर ड्रैगन को मुझे चुप चुप के मारना पड़ेगा। तो अब आपको एंडर ड्रैगन को मारता हुआ टाइम लैप्स देखने हैं। जल्दी आ एंडर ड्रैगन, जल्दी आ, मैं तुझे तो शॉर्ट ही मारूंगा, एक बो का शॉर्ट नहीं दूंगा। देख लग गया तो लग जाए, नहीं लग रहा, नहीं लगेगा, मुझे पता है नहीं लगेगा। एरो खत्म, अब मैंने आर्मर तोड़ा तो यार इतनी मैंने बिना आर्मर के लड़ा क्या? आप लोग चैट में बताना मैंने कि बिना आर्मर के लड़ा है। तो यहाँ पे एंडर ड्रैगन आ जा, जल्दी आ जा, मैं तुझे मारूँ फिर मेरा अपना। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। अब मेरा एक ही चैलेंज बाकी था कि मुझे अपने लिए बनाना था एक घर, और मेरा घर यहाँ पे आ चुका है। शाह शुगर केन फार्म भी बहुत अच्छा लग रहा था, तो अब मैं अपना घर बनाने के लिए पहले मैं अपने लिए रिसोर्सेस कलेक्ट करके आता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ अपने टाइम लग। पहले थोड़ा बहुत खाना भी कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि जब तक काव का ना मारूँ ना, जब तक सुकून नहीं मिलता अपने, एंड चंग भी कम कर लेता हूँ, क्योंकि लैग हो रहा था मेरा बहुत ही ज़्यादा लैग हो रहा था, कुछ ज़्यादा ही पता नहीं क्यों हो रहा था लैग। ये इसको मार के जाऊँगा, बहुत भाग रही है, भाग 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 मार दिया। चलो अब इंजॉय द टाइम लैप्स फॉर हाउस बिल्ड। मशरूम टाइप का मेरा हाउस कंप्लीट हो चुका है। तो बस आज की वीडियो में भी देखता ही, अगर आप लोग को मेरे आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। और इस वीडियो को मैंने बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगी है, जैसे मुझे रेडियो स्काई की लगी थी, लेकिन उसको आप लोगों ने सपोर्ट नहीं करा, यहाँ पर मैं मशरूम लगाता हूँ। तो और इसको शेयर भी करना, बहुत ज़्यादा लाइक भी करना, और अगर आपको ऐसी 100 डेज की और वीडियोज़ चाहिए तो मैं आप लोग के लिए लाऊँगा, अगर आपको 200 डेज भी चाहिए तो मैं आपको लिए लाऊँगा। सही, तो मैं यहाँ पर बैठ तोड़ लेता हूँ। तो आज के लिए नहीं, अगर आप लोग को मेरे आज के वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना। मैं आपके लिए एक ऐसी और वीडियो लाने वाला हूँ, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।